ओके करण प्लीज डोंट टाइप मैसेजेस प्लीज पीयूष आई विल सी ठीक है मैं सबको अनम्यूट सबको म्यूट कर देती हूँ अभी जब मुझे आपसे कुछ पूछना होगा देन आई विल अनम्यूट यू ओके ओके मैम सो जस्ट बी क्वाइट लेट मी टेक द क्लास एंड देन आई विल टॉक टू यू ओके सो लेट मी क्विकली रिवाइज व्हाट वी वर डूइंग यस्टरडे कल मैंने आपसे कहा था कि आप स्वत्व स्वतंत्रता और स्वराज्य से रिलेटेड एग्जांपल्स अपनी लाइफ में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो या आप मुझसे शेयर करोगे वंस आई हैव टेकन द टॉपिक दैट आई वांट टू टेक टुडे फिर मैं आपसे पूछूंगी इस पर्टिकुलर इस एस्पेक्ट के एग्जाम्पल दैट इज स्वत्व स्वतंत्रता एंड स्वराज्य हाउ यू डील विद इट इन योर लाइफ Do you follow it or not? Today we will do the process of self-exploration. What is it exactly? How do you explain it? Okay, उसमें से हमने कुछ चीजें कर ली हैं, वो उसमें कैसे implement होंगी? So that is what our focus will be on today. But I hope you remember what is swatv. Swatv is identifying your innateness. आप अपने को पहचानिए. इन्वेस्टिगेट करिए उसकी हेल्प से आप इवॉल्व होइए एक बेटर इंडिविजुअल बनिए जब आप उससे इवॉल्व होगे तो आप अपने सेल्फ के साथ हार्मनी में होगे यू विल बी इन हार्मनी विद द सेल्फ सो व्हेन यू विल बी इन हार्मनी विद द सेल्फ यू विल बिकम स्वतंत्र एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दोज ऑर्गेनाइज्ड एक्शंस इन योर ओन लाइफ in your behavior with others in your family and in your society and what will happen you will become a better individual and you will practice swarajya swarajya means you become organized and you that is shown in your behavior with the other people that is evident in your behavior with the other people so that is swatva swatantrata and swarajya ye humne kal kiya tha aur आज आपके एग्जाम्पल्स आपने जो भी रेडी किए हैं वो मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी ओके सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड टुडे वी विल डू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन Now I think you can see the process of value education is the process of self-exploration. आपसे पूछा जाए value education का process क्या है तो आप बताओगे it is the process of self-exploration. Whatever is said आपसे जो भी कहा जाता है that is a proposal. Whatever is said is a proposal. Now suppose somebody comes to you and says कि कल exam है कोई बात नहीं यू प्रिपेयर दिस टॉपिक आई विल प्रिपेयर दिस टॉपिक एंड देन वी विल शेयर इट वी विल चीट सो ये आपके सामने क्या आया एक प्रपोजल आ गया या फिर आपके सामने प्रपोजल आता है ओके दिस लैंड इज वेरी गुड लेट अस स्टार्ट कल्टिवेटिंग वीट ऑन दिस लैंड सो व्हाट इज दिस दिस इज अ प्रपोजल व्हाटएवर कम्स बिफोर यू टुडे लेट्स गो टू द मार्केट इन द इवनिंग और लेट्स गो फॉर अ मूवी इन द इवनिंग अगेन इट इज अ प्रपोजल Whatever is said to you is a proposal. कोई भी आपसे कुछ कहता है वो क्या है It is a proposal. Now, do not assume it to be true. हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए हमें क्या करना चाहिए इसको एकदम से नहीं मान लेना चाहिए Don't assume it to be true immediately. Nor reject it. Reject भी नहीं करना है हमको without exploration. तो हमें क्या करना है सपोज आपसे कहा जाता है ओके दैट इंजीनियरिंग कॉलेज इज वेरी गुड ओके गो एंड टेक एडमिशन ओवर देयर ये क्या है दिस इज अ प्रपोजल तो किसी भी प्रपोजल को हम यूं ही सही नहीं मान लेते ना ही हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं हमें क्या करना है एक्सप्लोर करना है और ये लाइफ में बहुत बार आएगा दिस कंपनी इज वेरी गुड गो एंड डू जॉब और गो एंड वर्क ओवर देयर गो एंड अप्लाई ओवर देयर
So you don't have to take it to be true. Or you don't even have to reject it. ऐसी सिचुएशन में हम पूरा लाइफ अपनी ऐसी सिचुएशंस में आते ही रहते हैं. आज कॉलेज जाना है नहीं जाना है, ये भी एक प्रपोजल है. फ्रेंड ने कहा अरे आज नहीं जाना है, लेट्स बंक टुडे. सो व्हाट इज इट? इट्स अ प्रपोजल. सो डोंट अज्यूम एनी प्रपोजल टू बी ट्रू और रिजेक्टेड विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन. सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी वेरीफाई इट इन योर ओन राइट. खुद से उसको वेरीफाई करो on the basis of it being naturally acceptable to you. Kaise verify this? So don't verify it to be true on the basis of being naturally acceptable to you. To ye nahi ki aap jo hai blindly usko accept kar le, theek hai? Naturally acceptable jo cheeze hain aap uske according us kaam ko kariye. So, how do we verify it? ये भी दिमाग में आता है question. Not just on the basis of scriptures. ये नहीं कि कहीं कुछ लिखा हुआ है तो हमने उसको मान लिया. Not on the basis of equipment or instrument data. ये नहीं कि उससे related कोई data है हमारे पास में या फिर उससे related आपके पास में. पीयूष काबरा के नाम से जो भी जना ये आता है बहुत disturb करता है class को. Whosoever it is. Just give me a second. Just give me a second. I'll continue. Piyush, please check the message and give me a response. Okay, so let us get back to the PPT.
give me a second. Let me move to the process. Okay, so coming back to this, I said whatever is said is a proposal. Never assume it to be true. ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल सच मान लें. Don't assume it to be true immediately, nor do you reject it. So how? What do we do? हम उसको verify करें on the basis of our natural acceptance. Natural acceptance के basis पे हमको उसको verify करना है. Not just on the basis of scriptures. ये नहीं कि कहीं कुछ लिखा हुआ है तो हमने blindly उसको मान लिया. Not on the basis of equipment or instrument of or data, मतलब हम उसको कहीं कोई readings दी हुई हो, कोई tables दिए हुए हो, या कोई chart दिया हो, या map दिया हो, या कोई bar graph दिया हो, तो हम केवल उस पे भी नहीं मान सकते. Not on the basis of assertion by other human beings, या कोई जना हमको force कर रहा है उस चीज को मानने के लिए तो भी हम नहीं माने. Okay, so now what do we do? What is the next thing that has to be done? So verify it on your own right, on the basis of your natural acceptance. Okay, so what do we do is, हम उस चीज को खुद से verify करें. On the basis of natural acceptance. Verify on the basis of experiential validation. So we verify on the basis of natural acceptance and experiential validation. अगर proposal true है, हमारे behavior, हमारे conduct को relate करता हुआ है, तो mutual happiness आती है. If the proposal is true in work with rest of the nature, अगर proposal rest of the nature के साथ में nature को preserve करता हुआ है, nature को exploit नहीं करता है, तो वो क्या होगा, इट विल लीड टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. मतलब एक जनरल बात है कि जब हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे किसी भी चीज को वेरीफाई करते हैं, मैंने नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या बताई थी, वो सारी चीजें जो हमारी लाइफ में हम नेचुरली एक्सेप्टेबल शुरू से देखते हुए आए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में फीलिंग्स हो, चाहे वो नेचर को प्रिजर्व करने की बात हो, ये सारी चीजें नेचुरली एक्सेप्टेबल है. चाहे वो ट्री और सीड की रिलेशन हो, दीज ऑल थिंग्स आर एक्सेप्टेड नेचुरली. बैलेंस ऑफ नेचर इज मेंटेन्ड बाय द
by the trees themselves. If you keep on planting trees, there'll be seeds. Seeds will generate more trees, and the balance of nature will be maintained. All the life cycles जितनी भी होती हैं, चाहे वो animals की हैं, चाहे वो nature से related जितनी भी life cycles हैं, चाहे वो water cycle हो, ये सब चीजें naturally acceptable हैं, ये होती हैं. लेकिन कोई जना इन चीजों को disturb करता है, तो क्या होता है? तुरंत nature का balance is disturbed. So if the proposal is true in behavior with human beings, अगर हम अगर proposal को देखें और जज करें कि क्या ये हमारी रिलेशनशिप्स को स्पॉइल तो नहीं कर देगा, कर देगा तो इसका मतलब हैप्पीनेस नहीं आएगी. अगर ये हमारी खुशियों को रखेगा, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम डूइंग, इट विल लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज योर फ्रेंड गिव्स यू अ प्रपोजल दैट वी शुड गो फॉर आउट फॉर अ मूवी ऑन द वीकेंड, बट योर फैमिली डज नॉट अग्री टू इट, दे डोंट वांट टू सेंड यू, देयर इज सम अदर रीजन. At home, you have to be there. अब क्या होगा अगर आप इसको validate नहीं करेंगे अपने proposal को? तो आप वो काम कर लेंगे जो आपके friend ने कहा था. लेकिन अगर आपने उसको validate किया, तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि क्या मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा करके, या किसी को unhappy तो नहीं कर रहा हूँ. तो आप you will go back to natural acceptance. We have to respect the feeling of other people. So what will happen? जब हम पीछे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमने अपने पेरेंट्स की बात की, रिस्पेक्ट करी, अगर उन्होंने कहा था भाई आज मत जाओ, कल चले जाना, तो अगर हमने उनकी बात की रिस्पेक्ट रखी, दे विल ऑल्सो बी हैप्पी एंड यू कैन टेल योर फ्रेंड कि चलो ठीक है, वी कैन मैनेज इट ऑन द अदर डे. सो फाइनली अगर हम कोई भी प्रपोजल हमारे सामने आ रहा है, तो हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो प्रपोजल जो है वो किसी को अनहैप्पी नहीं करे. इट शुड लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस. अगर कोई भी प्रपोजल हमारे सामने आता है, when we have to work with the rest of the nature किसी ना किसी वे में इन्वॉल्व होता है, तो उस प्रपोजल को हम ऐसे एग्जीक्यूट करें. आज हम नई टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रहे हैं, हमारे सामने प्रपोजल आया कि चलो तुम ये नई टेक्नोलॉजी बनाओ इस चीज के लिए. अब आपने वो टेक्नोलॉजी बनाई, पर वो नेचर फ्रेंडली नहीं है, वो इको फ्रेंडली नहीं है. अब आपने सपोज उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तो क्या म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आएगी? ना तो खुद प्रॉस्पर करोगे, ना ही नेचर को आप कंजर्व कर पाओगे. सो प्रपोजल हमेशा आपको वेरीफाई करना है नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे, और देखना है क्या इससे म्यूचुअल हैप्पीनेस आ रही है, हमारे रिलेशंस तो नहीं हार्म हो रहे. और अगर हम नेचर के साथ काम कर रहे हैं किसी भी वे में, तो हम देखें कि म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आए. हम तो प्रॉस्पर हुए, लेकिन साथ में ये नहीं हो कि किसी वे में हम नेचर को हार्म कर दें. इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द सेल्फ. नाउ अगेन समबडी इज डिस्टर्बिंग द स्क्रीन.
Okay, now you can unmute yourself. If anybody wants to ask any questions, you can do so. I don't know who is this person who is disturbing you. पूरी क्लास में हो रहा है मैम, डेली का यही है मैम. बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं खुद ही इसको कोशिश कर रही हूँ आज, मैं इसीलिए बार बार स्क्रीन को स्टॉप करके. मैं पहली चीज तो ऑनलाइन क्लास में तो ऑब्वियसली समझ में नहीं आता अच्छे से, ऊपर से इतनी सारी डिस्टर्बेंस, कोई गाने बजा देता घर में, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम क्लास करते हो या गाने सुनते हो. मैम पता नहीं यार, कुछ करो मैम इसका. बेटा मैं तो खुद ही इतनी देर से यही देख रही हूँ कौन सी सेटिंग करूँ जिससे कि ये बार बार whosoever is entering, ये इसी क्लास में नहीं है, दूसरी क्लास में भी एंटर कर रहा है this person, whosoever it is. ऐसे बच्चों को ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है जिनके वैल्यूज ही नहीं है. मैम एक बार दोनों पीयूष को आप है ना, दोनों पीयूष को आप रिमूव कर दो. मैंने मीनू एक पीयूष को तो रिमूव करके और फिर उसको मैंने वेटिंग रूम में डाला, वेटिंग रूम एनेबल किया, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. मैम आप उसे एंटर मत देना, पीयूष के नाम से जो भी है ना उसे एंट्री मत दीजिएगा, अपन कंफर्म करके फिर अपन एक बार देख लेंगे. नहीं मैंने अच्छा चलो आई विल टॉक टू यू फोन पे बात करूंगी मैं. हाँ हाँ मैम ठीक है ठीक है. मतलब ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसी क्लास में नहीं, इसने सीएससी में प्रॉब्लम क्रिएट करी है. ओके मैम अपन आइडेंटिफाई करते हैं मैम है कौन ये स्टूडेंट. हाँ ये कौन है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा है ना. जी जी मैम जी ठीक है चलो. ओके सो कमिंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अभी मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बताया कि जब भी आपके सामने कोई प्रपोजल आए देन हाउ यू हैव टू डील विद इट. नाउ कैन यू टेल मी एनी इंसिडेंट एनी इंस्टेंस कि आपके सामने प्रपोजल कोई आता है तो आप कैसे उससे डील करते हैं, हाउ डू यू डील विद इट. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन विद यू, आप उसमें देखिए और सोचिए कि आप किस तरीके से किसी भी प्रपोजल से डील करते हैं. जस्ट Yes, students, please think and let me know. This is what we were doing. Don't accept any proposal to be true. Verify it on your own, right? So the process of value education is understanding on the basis of verifying on the self, verifying on your own. And on the basis of your experience, जो भी कुछ कहा जाता है वो proposal है. Proposal को खुद से explore करिए, किस basis पे, natural acceptance के basis पे, ठीक है. अपने verification खुद ही से verify करिए चीजों को on the basis of your experience. This is a very natural process of self verification and experiential validation. और finally इससे क्या आएगी, जब आप self exploration करोगे तो अंडरस्टैंडिंग आएगी. ओके इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ अज्यूमिंग थिंग्स, ये नहीं कि आपने चीजों को जस्ट मान लिया जैसा दिया गया, किसी ने कहा, कहीं किताब में लिखा था, या आपको आपने कहीं भी कोई आपने डेटा देख लिया, आपने उसके बेसिस पे मान लिया, दैट इज नॉट द राइट प्रोसेस. ओके नाउ लुक एट दिस पिक्चर, इसको कहते हैं, ये पिक्चर है जिसमें आप पूरा प्रोसेस आपके सामने क्लियरली डिस्प्ले हो रहा है. इफ एनी प्रपोजल इज देयर डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू, वेरीफाई इट इन योर ओन राइट, वेरीफाई इट इन योर ओन राइट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज रिटन इन बुक्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग्स विद इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स. अब करना क्या है,
verify on the basis of natural acceptance, keep asking again and again, what is my natural acceptance? मैं किस चीज को मुझे मानना चाहिए? मेरा मन कोई चीज को कह रहा है, if I, you know, if my mind is telling me, no, this is not right, what I'm doing, I'm writing on the screen, I'm speaking rubbish, I'm playing music, is it right? It is ethically wrong. तो ask again and again कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने relations को spoil कर रहे हैं. अभी जो हो रहा है मैं उससे example आपको दे रही हूँ, तो आप again and again अपने से पूछिए कि क्या ये चीज naturally acceptable है? आप सबको disrespect करो, आप सबको disturb करो? No, it is not. तो आप क्या करोगे, अपने basis पे verify करो. Naturally acceptable है, you respect others, you don't create problems. Naturally acceptable है that you create trust and confidence. ओके, जब हम इस तरीके से चीजों को वेरीफाई करते हैं, इससे क्या आती है हमारे अंदर, रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग आती है. जब इस बेसिस पे हम रहते हैं तो हम म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी लाते हैं. इसका टेस्ट ये है कि हमारे अंदर अश्योरेंस, सेटिस्फैक्शन और एक यूनिवर्सैलिटी आती है, मतलब हम सबका ध्यान रख पाते हैं. इट अप्लाइज टू एवरीबडी, इट इज independent of time, space or individual. It is applicable to all. इसको कहते हैं process of self-exploration. Okay? So, ये सारे आपको, ये पूरा जो मैंने आज slides दिखाए हैं, this whole process of self-exploration, इसको analyze करो. जो गलतियां आप करते हो, बहुत सारे ऐसे students होंगे who are not even paying attention, who are not even very truthful to what is you know, being done for them, and they are trying to disturb, they are creating all this nuisance. तो वो भी analyze करें कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, are we really exploring the self, are we doing the right thing at such a time of pandemic, जहां हमारे पास वैसे ही और कोई तरीका नहीं है आप तक चीजें convey करने का. So that is up to you. Your संस्कार्स, your values, if they are not positive, if they are not strong, you will never do the right thing. Okay? So let me come back to the class. So now if you have any problems, you can ask me. Excuse me, ma'am. Bolo. Ma'am, when you will send the notes of human values? बस भेज दूंगी, आज खत्म हुआ है ना, आज भेज दूंगी आपको. टुडे आई विल सेंड. बेटा और किसी को कोई क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हो. This way I will not even be able to communicate with you if you are, if this kind of nuisance is created in the class. It's very difficult. Yes, anybody, aap koi query hai aapki self-exploration process ko lekar ke, then you can ask me. And give me examples of how you explore the self, what you do. Yes, Nafees, what do you want to say? You can speak. Yes. Mute hai. मैम. हाँ बोलो. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ बोलो. मैम जैसे किसी फ्रेंड का प्रपोजल आया कि हैंग आउट के लिए जाने के लिए. यस. बट पेरेंट्स क्या कंसिस्टेंटली मना कर रहे हैं कि इस वीकेंड पे नहीं, अगले वीकेंड पे चले जाना, अगले पे बोल रहे हैं इस पे नहीं, अगले पे चले जाना. ठीक है, इसका मैम कंक्लूजन क्या निकलेगा फिर? Finally, you will have to find a way out, ma'am. You will have to convince either your friends or your parents and see how you think, you work out things in such a manner that, you know, in a way, everybody is satisfied.
ये आपको देखना है कि आपको किस तरह से इसको वर्कआउट करना है अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे। देखो कि मैं किस तरीके से अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करूं जिससे कि किसी को हर्ट नहीं। दैट इज व्हाई आई सेड इट इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग इन योर ओन राइट ऑन द बेसिस ऑफ योर। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना ट्रस्ट ब्रेक करता है, रिस्पेक्ट ब्रेक करता है। बोलने पर तो जाने नहीं देंगे मैं। ऐसा नहीं होता है। You have to see how you can work it out. You have to. Parents जाने नहीं दे रहे तो वो कोई particular reason होगा, तो उस reason को ना मतलब justify करके उसको solve करना। आप समझो उनका क्या reason है, आप उनको justify करो, try to convince them. और अगर मैं बिना reason ही मना कर रही हूँ, जैसे मैंने पूछे कि ऐसे नहीं होता है, as a parent if you ask me. तो ऐसे हम नहीं मना करते हैं अपने बच्चों को जब तक कि हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं होता है। ओके, सो फाइंड आउट व्हाट इज इट, टॉक टू देम। ओके, सो प्लीज एनालाइज, वी विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। ओके।